Hello friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about some one-liner question of the plant breeding and genetics. So hum start karte hain. First hamara hai ki father of genetics. Okay, father of genetics kaun hai? To father of genetics, as we matlab all know that ki जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल. यहाँ पे पूरा नाम तो नहीं लिखा है, बट जो पूरा नाम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल होता है. देन सेकंड है द बुक माइक्रोग्राफिया. ठीक है, एक बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया. वो किसके द्वारा रिटन है, मीन्स किसने उन्हें उसे राइट किया? तो वो है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने किया था माइक्रोग्राफिया, जो बुक है उसको राइट किया था, मीन्स उसके जो राइटर हैं वो रॉबर्ट हुक हैं. देन थर्ड क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरेशन प्रोजनी ऑफ हाइब्रिड इज कॉल्ड. मतलब जब हम लोग हाइब्रिड प्रोग्राम, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम करते हैं, तब जो पहली हमको जो प्रोजनी मिल रही है, मीन्स जो पहला जो हमको क्रॉस के बाद जो भी हमको मिल रहा है, तो वो क्या रहता है? ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? उसको हम सेग्रीगेट बोलते हैं. देन फोर्थ क्वेश्चन है वॉट इज द मीन ऑफ जर्म प्लाज्म. मीन्स जो जर्म प्लाज्म होता है उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक्चुअली में जर्म प्लाज्म जो होता है, इट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लाइक ये सीड हो सकता है, डीएनए हो सकता है, पोलन हो सकता है, या कोई भी ऐसे प्लांट पार्ट लाइक ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न. तो मतलब ये सभी जो प्लांट के पार्ट्स रहते हैं, इनमें वेरिएबिलिटी कंजर्व रहती है, इसीलिए ये एज अ एक मतलब जो वेरिएशन है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं. इसीलिए ये क्या होंगे? एक तरह के जेनेटिक मटेरियल होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एलाइन मटेरियल. तो जो प्रोसेस रहता है कि जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, मान लो हमने दूसरे देश से कोई मटेरियल मंगाया, या विद इन द स्टेट हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें मान लो कोई बाहरी तत्व आ गए हैं, इंसेक्ट पेस्ट या अदर वीड के जो भी स्पोर्ट्स हैं, उसको हम एलाइन मतलब मटेरियल बोलेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्वारंटाइन का प्रोसेस करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अ फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड. उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट. जो इन्फ्लोरेसेंस मीन्स पुष्प क्रम जो रहता है, उससे अगर फ्रूट डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन बैंक ऑफ वीट इज सिचुएटेड इन. जो जीन बैंक है वो करनाल में है. देन नेक्स्ट है साइब्रिड इज अ साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड दैट फॉर्म बाय. जो सेल का जब फ्यूजन होता है तो साइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड होता है. देन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस इज. जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन जेआरएफ में बहुत पूछा जाता है. तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है. तो राइबोसोम इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. देन आरएनए का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटीन और आरएनए में. देखिए प्रोटीन का तो होता है राइबोसोम में, लेकिन जो आरएनए रहता है उसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है न्यूक्लियोलस में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर द वीट, बार्ले, राइस, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन फाउंडेशन सीड. जब हम क्या करते हैं, फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन करते हैं, तो हम जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, मतलब जो पृथककरण दूरी रखते हैं, वो कितनी रखते हैं, किसके किसके लिए? जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लाइक दैट वीट, बार्ले, राइस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, दे आर द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. तो जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप रहते हैं उसके लिए हम 3 मीटर रखते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए हम ज़्यादा रखते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ द सेल फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम बोलते हैं बीजीए. तो जो इनमें प्रोकैरियोट टाइप का रहता है, वेल डेवलप नहीं रहता. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट, इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस. क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके एक किसी भी पेरेंट्स से बैक क्रॉसिंग करा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये बैक क्रॉस कहलाएगा. देन क्रॉसिंग ऑफ F1 सॉरी द क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ ऑफ इट्स रिसेसिव पेरेंट इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. तो याद रखिएगा जब हम टेस्ट करते हैं तो हम रेसेसिव पेरेंट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लोग बैक में किसी भी बोथ पेरेंट में से किसी भी एक से क्रॉस करा रहे हैं, दैट मींस बैक क्रॉस. एंड क्रॉसिंग ऑफ F1 विद इट्स रिसेसिव पेरेंट इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. तो इस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो ये कन्फ्यूजन आप याद रखिएगा. याद ये रखना कि टेस्ट करना है तो हम रेसेसिव से टेस्ट करेंगे, और जब बैक करेंगे तो किसी से भी बैक कर लेंगे हम लोग, मतलब बैक क्रॉस कर रहे हैं. तो ये नाउ 16th क्वेश्चन है क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. सबसे ज़्यादा जो
तीव्र बोल सकते हैं या क्विकेस्ट मेथड है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो मतलब नहीं है, ये यहाँ पे ये आंसर मुझे गलत लग रहा है, मैं इसे एक बार चेक करके बताऊंगी। आई थिंक क्विकेस्ट मेथड जो है प्लांट ब्रीडिंग का वो सिलेक्शन है, क्योंकि सिलेक्शन में हमको इतना कुछ करना नहीं पड़ता, हम केवल फेनोटाइपिकली जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं उसे देखकर सेलेक्ट कर लेते हैं। म्यूटेशन थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है, तो ये गलत आंसर है, इसमें सिलेक्शन आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन फर्स्ट डिफाइंड बाय, तो म्यूटेशन फर्स्ट डिफाइन हुआ था बाय द ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, तो याद रखिएगा कि किसके द्वारा हुआ था, ह्यूगो डी ब्रिज। देन नेक्स्ट है, सडनली हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जब कभी भी सडनली मतलब सडनली तो आ रहा है बट वो हेरिटेबल रहेगा, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। देन सेल थ्योरी इज गिवन बाय द स्लेडन एंड सॉन 1839, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में सेल थ्योरी वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, तो ये वाइसमैन ने दिया था 1889 में दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए जो रहता है दैट इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो किसने दिया ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 में दिया था। देन वन जीन वन एंजाइम, मतलब एक जीन के लिए एक एंजाइम वर्क कर रहा है, ये हाइपोथेसिस दिया था बेडल एंड टैटम ने दिया था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मेल जो स्टेरिलिटी रहती है दैट इज जीएमएस फाउंड इन विच क्रॉप, पिजन पी में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है जीएमएस, ठीक है, तो याद रखना आप लोग। अ हाइब्रिड ऑलवेज, जो हाइब्रिड रहेगा ऑलवेज वो हेट्रोजाइगस रहेगा, दे आर नॉट होमोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन सोरघम, सोरघम में जो मेल स्टेरिलिटी का मेन सोर्स रहता है एक जो जीन है या जीनोटाइप है टिफ्ट 60 वो रहता है। देन द मेन सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन बाजरा, बाजरा में रहता है टिफ्ट 23A, और याद रखना सोरघम में 60 रहता है और बाजरा में 23 रहता है। द लाइन आर होमोजाइगस एंड होमोजीनियस इन नेचर इट इज कॉल्ड, जो होमोजाइगस भी है मीन्स उनके पॉपुलेशन तो है पूरे होमोजाइगस, जब पॉपुलेशन की बात होती है तो होमोजाइगस हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसमें से हम कोई एक की बात करते हैं दैट मींस होमोजीनियस, तो दोनों ही हैं तो ये प्योर लाइन है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। देन बनाना इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज द, बनाना का इन्फ्लोरेसेंस और जो डेट प्लैम रहता है दोनों का इन्फ्लोरेसेंस को स्पैडिक्स बोलते हैं। देन प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, तो दोनों में आप लोग क्लियर रखना। थर्टी क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट इंटरजेनेटिक क्रॉस मेड बाय द रिम्पू इन 1890, तो ट्यूट्रिकेल था जो कि वीट एंड राई का क्रॉस था, तो ये फर्स्ट जो है इंटरजेनेटिक क्रॉस बना था बाय द रिम्पू, किसने बनाया था याद रखिएगा रिम्पू ने, कब बनाया था 1890 में। तो ये कुछ 31 लाइनर क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप जेआरएफ दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ब्रीडिंग पोर्शन से। सो और इसके बाद मैं नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लेके आऊंगी। सो